सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए साइबर डीएसपी ने 10 साइबर अपराधियों को मौकाए वारदात से रंगे हाथों दबोचा है। बुधवार को साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में की गई छापामारी में पकड़े गए अपराधी गांडे और बेंगाबाद के रहने वाले हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के नाम विजय कुमार मंडल, अजय मंडल, सिकंदर मंडल, मुकेश मंडल, कामदेव मंडल, नरेश मंडल, गोनिक मंडल, वकील मंडल, उदय शंकर तिवारी और जैनुअल अंसारी है। इनमें से कईयों का पुराना भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह जानकारी डीएसपी ने गुरुवार को साइबर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उनके पास से 23 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड और 33 पासबुक आदि जब्त किए गए। इनकी गिरफ्तारी मुख्य रूप से बेंगाबाद और गांडे क्षेत्र से की गई है। इसमें से 5 ऐसे अपराधी है जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रह चुका है। इसमें 2 ऐसे साइबर अपराधी है जिनका नाम है जैनुल और मुकेश है। ये 2 अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को बंद कराते थे, जिसमें साइबर का पैसा डाल करके निकासी करके वितरण किया जाता था। ये जो रेड हुआ है, इसमें हमें इनपुट एक बाहर के स्टेट से मिला था, जिसमें पंजाब के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को इन्होंने ठगने का प्रयास किया गया था। वहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिली थी और हमने इस रेड को अटेम्प्ट किया था, जिसके बाद इन सभी की अरेस्टिंग हुई। इनमें एक ऐसा भी साइबर अपराधी है जो रांची के एक केस में जिसका नाम आया था और वहाँ से भी हमें इसके बारे में इनपुट मिला था, और फिर हमने जब रेड किया तो इसके पास से अन्य सबूत हमें प्राप्त हुए और हम इसे भी गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा कि जानते हैं, गिरिडीह जिला काफ़ी साइबर अपराध से ग्रसित रहा है, तो सभी से हम अपील करेंगे अधिक से अधिक साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी साइबर थाना को उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग और अधिक मात्रा में रेड करके इन्हें सलाखों के पीछे भेज सकें। और साथ ही और लोगों से अपील होगा कि साइबर अपराधी यदि आपको किसी भी बहाने कॉल करते हैं, किसी फाइनेंशियल डिटेल मांगते हैं, कभी भी इनके झांसे में ना आए और अपने आप को साइबर अपराध से सुरक्षित